फैसल भाई, रेस्टोरेंट का बिजनेस सऊदी के अंदर क्या पोटेंशियल है? बहुत ज्यादा, थोड़ा खासकर डिटेल में हमारे, बताया ना। आपको पता है हमारे खानों में पाकिस्तानी खानों में बहुत ज्यादा स्कोप है। आपने बाकी तो देखा होगा, एक सेकंड, ये थोड़ा इधर कर। आपने देखा होगा कि सैचुरेट हो रही है मार्केट, यानी कॉफी शॉप्स बहुत सारी खुल रही हैं, बर्गर शॉप्स बहुत सारी खुल रही हैं, कबाब और इन चीजों के खाने बहुत सारे खुल रहे हैं। सही, द रीजन वो इजी है। ओके, लेकिन हमारे जो खाने पाकिस्तानी खानों में बहुत स्कोप है। अगर कोई भी ब्रांड, या आई थिंक 100 और ब्रांड आ जाए, स्टिल देयर बी अ पोटेंशियल फॉर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। ओके, डिफरेंट काइंड, डिफरेंट स्टाइल से, नॉर्मल से हट के कुछ लेकर आए तो इट विल बी अ सक्सेस। अच्छा, जैसे ये आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तानी फूड में, तो अगर जैसे कोई ब्रांड पाकिस्तान से आके यहाँ पे कुछ खोलना चाह रहा है, या यहाँ से ही कोई लोकली स्टार्ट करना चाह रहा है, कुछ इस तरह से करना चाह रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, या उसके लिए क्या कहेंगे? आई मीन, आप पूछ रहे हैं कि किस लाइसेंस कैसे लिया जाए? नहीं नहीं, नॉट लाइसेंस, यानी बिजनेस ओवरऑल के, यानी कोई एक नीच पकड़ लें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है, तो मैं सिर्फ बिरयानी की अगर नीच पकड़ लूं, ठीक है, या फिर आप ये कह लें कि मल्टीपल रखें, शुरू दिन से आप पूरा एक बड़ा मेन्यू रखें, किस तरीके से, मतलब आप अपने तजर्बे के मुताबिक क्या बताएंगे? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट डू यू कॉल, क्या नाम है, आपके बजट के ऊपर। जी, ठीक है, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ। लाइक जब मैं कोई रेस्टोरेंट खोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार फुल फ्लेज रेस्टोरेंट हो, जो अलजदीद है, उसमें मुख्तलिफ वैरायटीज हों, लोग आके आराम से खाना खा सकते हैं, फाइन डाइनिंग टाइप, लाइक अच्छा सा टेबल हो, अच्छी सी जगह, एंड वो खाना खाएं, दिस इज माय ओपिनियन। लेकिन अगर आपके पास बजट, लिमिटेड बजट है, तो एक बड़ा, एक वो मशहूर है हमारे यहाँ, वन डिश मिलियनेयर इस टाइप का, आप एक डिश लेकर आए, परफेक्ट बनाए, उसकी मार्केटिंग अच्छे तरीके से करें, एंड देन उसमें सक्सेस मिलेगी, वो भी ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स दैट्स फॉर द पीपल हु इतना ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। किसी भी बिजनेस में आपने जो बोला ना, परफेक्ट मार्केटिंग करें, मार्केटिंग का कितना वो है, कामयाब करने में, बजट नहीं, कामयाब करने में मार्केटिंग का कितना हाथ है? 100% मार्केटिंग के ऊपर है। देखिए, आप बहुत अच्छा खाना बना लें, ठीक है, बेहतरीन किस्म का खाना बना लें, किसी को पता होगा कि भाई अलजदीद में या एक्स वाई जेड ब्रांड के अंदर ये बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, तब तो तब आएंगे ना वो खाने के लिए। अब मुझे क्या पता कि ये जो सामने मार्केट है, इसके अंदर दुनिया की बेहतरीन बिरयानी मिलती है। आई डोंट नो, मार्केटिंग करेंगे तो लोगों को पता चलेगा भाई ये वही ब्रांड है जिसकी सलमान भाई ने बताया था कि बेहतरीन बिरयानी है, एक मतलब आके जरूर ट्राई करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा बजट ये होता है, लाइक जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अपना ये हमने एक्सपेंस करना है, तो उसमें 40% मार्केटिंग का होता है। ओके, बाकी 60% बाकी चीजों का होता है, क्योंकि मार्केट, अब लोगों को बताएंगे भाई ये है, तभी तो लोग आएंगे, नहीं तो वरना नहीं आएंगे। अच्छा फजल भाई, आपने यही मार्केटिंग से ही रिलेटेड मैं सवाल कर रहा हूँ कि पहले जब शुरू शुरू में जब मेरी आपसे बात हुई थी, या इस तरह से हुआ था, तब आप मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स के साथ आपने काम स्टार्ट शुरू किया था। उससे पहले और उसके बाद में क्या फर्क आया है अलजदीद में? हमने जी तकरीबन कोविड के बाद शुरू किया था। कोविड के वक्त हमारी बहुत बढ़िया हालत हो गई थी, लाइक हमारे फाइनेंशियली वी वर लाइक कह लें कि नेगेटिव में चले गए थे। ओके, क्योंकि इनकम थी कोई नहीं और एक्सपेंस लगातार आ रहे थे। ओके, पाकिस्तान में हमारा खाने, हमारा बेसिकली चलता ही डाइनिंग पे था, तो डाइनिंग पे तो पाबंदी लगी हुई थी। जब हमने मार्केटिंग की है ना, तो वो जो नेगेटिव कुछ अमाउंट थी, वो विद इन 3 to 4 months पॉजिटिव में चले गए, माशाल्लाह, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अभी जो हम जिस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, करते अपने इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के साथ, वी डूइंग वेरी वेरी वेल। अच्छा फजल भाई, यही जब आप मार्केटिंग करते हैं तो उसका जाहिर है मोस्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, उसकी तो चलो खुशी होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। अगर आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग है ना, तो नेगेटिव, अगर मसलन 1,000 आदमी इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट, या वो खाना खा रहे हैं, उसमें से अगर 25-30 आ जाते हैं, तो वो लाइक उसमें ये है कि हाँ ठीक है, ये हो सकता है हमारी गलती हो सकता है, उस वक्त कोई कस्टमर गुस्से में आया हो, या टेबल में वैसे आधे ज्यादा वहां गुस्से में होती है, शायद शायद, तो वो इग्नोर कर लेते हैं हम इतना उसके ऊपर। तो अगर कोई जैसे बहुत ज्यादा वो बना रहा हो, उसके ऊपर फिर हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, फिर हम उसको फिर चेक करते हैं, उसको सही करने की कोशिश।